हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडेस टॉपिक ट्रायल बैलेंस। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस और आज हम जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे बनाने का लॉजिक क्या है, क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए। और तो अब शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब इनिशियल स्टेज पे, तो मैं अगर इनवॉइस को छोड़ दूं तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जर्नल में एंट्री की जाती है कोई भी जब ट्रांजेक्शन होता है तो, ठीक है। उसके बाद जब जर्नल में एंट्री कर दी जाती है तो सब्सिडियरी बुक में एंट्री की जाती है, ठीक है, ये भी आपको पता है। सब्सिडियरी बुक लाइक कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश की एंट्री की जाती है, पता ही है आपको ये। आई होप कि मैं एज्यूम करती हूँ कि ये सब आपको पता होगा। सेल्स बुक, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को पहले से पता है सब्सिडियरी बुक में। उसके बाद सब्सिडियरी बुक के बाद जो एंट्री की जाती है वो किस में की जाती है, लेजर में। मतलब क्या है भाई, नंबर्स ऑफ जैसे अकाउंट ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कैश के, तो इसलिए कैश का अकाउंट एक ही जगह प्रिपेयर कर लिया जाता है। या फिर सेल्स के लिए, सेल्स की बहुत सारी एंट्री की जाती है तो हम एक ही जगह लेजर में सेल्स अकाउंट बना लेते हैं और जितने भी सेल्स की एंट्री है वो सारी इसमें कर दी जाती है। या परचेज की लग कह लो आप, ठीक है, तो या फिर क्रेडिटर की, एवरी वन जो एंट्री है वो इसके अंदर की जाती है। अब बताओ इसके बाद क्या है। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, भाई ट्रायल बैलेंस को बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि कैश अकाउंट बनाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा है, डेबिट बचा है या क्रेडिट बचा है, ये हम ये जानेंगे, ठीक है, या कोई भी मंथली, क्वार्टरली या साल के एंड में ये जानना चाहेगा भाई कि सेल्स की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हुई है, डेबिट है या क्रेडिट है। इसी तरीके से परचेज, डेटर, क्रेडिटर, एवरी टाइम अकाउंट्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में एक समरी है जो कि लेजर में जितने भी अकाउंट्स है उसका ट्रायल बैलेंस में ये पता लग जाता है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब इसकी जो परफॉर्मा है वो क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो की का मतलब कि अगर कैश की जो अकाउंट बना रहे हैं तो ये लेजर के किस पेज से लिया गया है इसको, और इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ये यहाँ पे मैं आपको रफली बताती हूँ। यहाँ पे क्रेडिट, ये एक तरीके से परफॉर्मा हुआ। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के पीछे का क्या लॉजिक है कि जो हमने लेजर में एंट्री की है वो ट्रायल बैलेंस में एक तरीके से समरी बनाकर और समझ में आ जाए कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट का डेबिट है या क्रेडिट है, परचेस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट है। अब इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है भाई, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है, कौन से, एक तो मॉडर्न अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों में से कोई एक चीज अच्छे से पता है या फिर दोनों ही पता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, आपको समझने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा। तो आप देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अप्रोच क्या है, क्लियर, CLEAER, क्लियर। अब क्लियर का मतलब क्या है, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी एंड आर फॉर रेवेन्यू, इसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड एसेट को कर देंगे डेबिट, ठीक है। अब
देखो मैं इसका लॉजिक बताती हूँ कि क्यों क्रेडिट करेंगे और क्यों डेबिट करेंगे। कैपिटल है, देखो कैपिटल को एज ए अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है कैश लगाकर, तो मैं और मेरा जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट है, किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि ये एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, ठीक है, किसकी? बिजनेस की। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। एल फोर लाइबिलिटी, वो पता ही है आपको कि अगर बिजनेस में किसी ने उधार लिया है बिजनेस से, तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाती है, तो यहाँ ये भी बैलेंस होगा लाइबिलिटी का भी क्रेडिट। एक्सपेंस, आपको पता है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, ठीक है। एसेट, एसेट भी पता है आपको कि एसेट जो है वो क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हम अगर हम मैं बात करूं रियल अकाउंट भी ले लो, तो रियल अकाउंट में भी क्या है? एसेट, जैसे कि रियल अकाउंट का जो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब कि अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब ये रियल अकाउंट है और इसका बैलेंस डेबिट होता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा, या आप मॉडर्न अप्रोच से देख लो या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से देख लो। मॉडर्न अप्रोच से तो आपको पता है कि रेवेन्यू है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें कोई भी गेन है यानी जो कमीशन है या कुछ भी डिस्काउंट है वो मिल रहा है, तो हमारे लिए रेवेन्यू है और इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ हम अगर बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच, तो भाई नॉमिनल जो अकाउंट है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो इस वे में भी आप ये कह सकते हो कि रेवेन्यू है वो क्रेडिट होगा। तो मैं अब एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का हम परफॉर्मा तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि देखो अगर पहले मैं यहां से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो क्लियर का CLEAR जो क्लियर का रूल है वो किस तरीके से फॉलो होता है, ठीक है, क्रेडिट एंड ये डेबिट बैलेंस, ठीक है। इस चीज को बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है, आपको तब जाके समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट यानी कैपिटल। कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है इसलिए इसका जो बैलेंस है वो होगा क्रेडिट, ठीक है। तो ये 2 लाख का बैलेंस यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद बैंक, बैंक क्या है? एसेट है, तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ये लाइबिलिटी कैपिटल है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल ही लिखो, लाइबिलिटी मत लिखो। एसेट है, एसेट का जो बैलेंस है मतलब बैंक है, बैंक क्या है? एसेट है, एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये क्लियर का अप्रोच है यानी कि मॉडर्न अप्रोच है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये डेबिट बैलेंस आ गया। थर्ड में क्या है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है? रेवेन्यू है,
तो रेवेन्यू का क्या है बैलेंस, रेवेन्यू का बैलेंस क्या है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट। कितना है सेल्स में 3 लाख, ठीक है। उसके बाद डेटर, डेटर्स भी क्या है एसेट है, क्योंकि जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डेटर्स हैं, मतलब डेटर्स में जो पैसे बिजनेस को देंगे, तो एक तरीके से वो बिजनेस के लिए एसेट हुआ। तो इस एसेट यानी एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है डेबिट होता है। तो कितने से डेबिट, 3 लाख से, तो यहाँ पे 3 लाख से एंट्री कर देंगे डेबिट में। स्टॉक 5th नंबर पे क्या है स्टॉक, स्टॉक भी क्या है एसेट है, यानी बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट को का बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो डेबिट साइड लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिटर 6th नंबर पे, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है लाइबिलिटी, यानी कि बिजनेस को जिन जिन पर्सन को पैसे देने हैं तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गई लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जो है वो क्या बैलेंस होता है इसका क्रेडिट, तो यहाँ पे 4 लाख से हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद परचेजेस 7 नंबर पे, परचेजेस अकाउंट क्या है एक तरीके से एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो क्या होता है डेबिट, तो कितने से डेबिट कर देंगे हम 3,20,000 से। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा जो भी मैं आपको यहाँ एंट्री बता रही हूँ, क्योंकि देखो कैपिटल, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। बैंक एक तरीके से एसेट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, या फिर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू, रेवेन्यू को या तो आप मॉडर्न अप्रोच से ये कर सकते हैं कि रेवेन्यू है वो उसका जो बैलेंस है वो क्या होता है क्रेडिट होता है, या फिर आप यहाँ से ये कर सकते हैं नॉमिनल का जो रूल होता है डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, तो इस रूल से आप कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा इसका बैलेंस क्रेडिट। डेटर आपको पता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट, स्टॉक भी एसेट, क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और परचेज क्या होते हैं एक्सपेंस होते हैं, तो इसका बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अब हम इक्वल कर लेंगे, देखते हैं इक्वल सही आता है या नहीं। 2 लाख एंड 3 लाख 5 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख 9 लाख एंड 180 एंड यहां से करते हैं 180 एंड 3 लाख 20,000 यानी 4 5 लाख 5 3 4 5 5 और 6 3 8 8 और 1 9 यानी कि जो बैलेंस है यानी ट्रायल बैलेंस में जो बनाया गया है ये यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि एक ही सीरियल में आपको दे दिया जाए कि भाई डेबिट है वो किस तरफ आएगा, इसका बैलेंस किस तरफ आएगा, बैंक का कहाँ आएगा बैलेंस, सेल्स का किधर लिखेंगे, मीन्स डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, डेटर का बैलेंस क्या होगा, स्टॉक का क्या होगा क्रेडिटर। तो आपको ये चीज पहले ही बेसिकली बेसिक क्लास में आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग यानी डेबिट और क्रेडिट को किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगी कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ से, आप टोटल खुद भी कर सकते हो कि बैलेंस जो है दोनों का 9 लाख 9 लाख आ रहा है। एक्चुअली यहाँ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। अब आप टोटल करके लिखना, आपको पता लग जाएगा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।